रासायनिक, जैविक और परमाणु आपदा से निपटने के लिए अब SDRF की टीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस प्रशिक्षित SDRF के जवानों को गढ़वाल और कुमाऊं में तैनात किए जाएंगे। तीनों ही मारक युद्ध क्षमता से निपटने में महारत हासिल कर चुके SDRF के जवानों की तैनाती से राज्य हर विपरीत परिस्थिति में निपटने को तैयार होगा। DIG SDRF ने बताया कि इन पोस्टों पर 45 प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इनमें से 21 कर्मचारियों को 3 साल पूर्व प्रशिक्षित किया गया है। हमारा ये मकसद है कि जो हमारी SDRF तैनात रहती है किसी भी प्रकार के डिजास्टर से या इमरजेंसी से निपटने के लिए दक्ष हो और सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हों। अभी हमारे पास CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, ये इस तरह के डिजास्टर से लड़ने के लिए SDRF की अबाउट हमारे पास 21 ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों जगह एक एक टीम को रखें जो ट्रेंड हो। जिस जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्रीज़ में किसी प्रकार के गैस रिसाव की कोई सूचना प्राप्त होती है, कहीं पर हमने अभी लेटेस्ट देखा था रुद्रपुर में सिलेंडर से गैस लीकेज की सूचना प्राप्त हुई थी, तो इन्हीं सब की ट्रेनिंग के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार ऑफ सीजन में हम SDRF की एक और टीम बनाएं जो कम्प्लीटली ट्रेंड हो, दक्ष हो और उसको हम अलग अलग दोनों रीजन्स में अपने एस्टैब्लिश कर सकें।